बस गाइस, तो अभी हम रेडी होके निकलने ही वाले हैं सोमनाथ मंदिर के लिए। पर ये हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का हमारा डे वन है जो कि सोमनाथ का। आज हम टेंपल का दर्शन करेंगे और बाकी लोकल साइट सीइंग वगैरह करेंगे। बट आज के व्लॉग में मैं आपको मार्केट अच्छे से एक्सप्लोर करके बताने वाली हूँ, तो व्लॉग को पूरा देखना। बस गाइस, तो रेडी हो गए और अभी निकलेंगे मंदिर जाने के लिए। कितना बज रहा है देखो जरा, 10:15 बज रहे हैं और मंदिर के लिए अभी निकलते हैं, पहुंचेंगे। होटल से निकलते ही जस्ट पास में ही था जो कि खाने पीने की काफ़ी सारी चीज़ें थी। सुबह का जो भी आप नाश्ता करते हैं, ढोकला, फाफड़ा, खमन, सारी चीज़ें मिल रही थी। पूरी सब्जी, आलू के पराठे, समोसा वगैरह नहीं था, लेकिन चाय, कॉफ़ी, दूध, यानी छोटे बच्चों के लिए अगर दूध चाहिए तो वो भी ये सारे जगह पे मिल रहा था, आराम से इजीली मिल जा रहा था कहीं भी। और मंदिर एकदम सामने ही है और यहाँ पे ही हमारा होटल भी था 200 मीटर की दूरी पे, तो वो बहुत अच्छा था हमारे लिए, बेनिफिट रहा। मैंने और हम लोग पहले दर्शन करेंगे और जिनको ज़्यादा भूख लगी कैक कुछ मतलब ज़्यादा देर से खाते तो एसिडिटी भी हो जाती है ना, और काफ़ी लेट हो गया, नाश्ते का टाइम जा चुका है अभी। बढ़िया खमण जलेबी आके खा लेंगे अपने साथ में, थोड़ा सा हल्का फुल्का तब तक वो कर लेते हैं नाश्ता। लो खा लो कह रहे, खा लो। बच्चों को कुछ हल्का फुल्का खिलाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए थोड़ी बहुत पूरी वगैरह ऐसी सारी चीज़ें भी हमने लेके सबको खिलवा दिया था। और अब आगे चल पहुँच गए हैं मंदिर, मंदिर के बस एकदम पास में पहुँच गए और बस अब बस थोड़ी देर में भोले बाबा के दर्शन होने वाले हैं। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग जो है वो सोमनाथ है, और आज पहली बार सोमनाथ विजिट करने को मिल रहा है और आज फाइनली भोले बाबा के दर्शन होंगे। और इतना सुना है यहाँ के मंदिर के बारे में और पहली बार जाने को बहुत अलग सा एक्साइटमेंट और मन में कुछ अलग ही फीलिंग हो रही होती है। मंदिर के ठीक बाजू में इतनी सारी शॉप है, वहाँ पे बहुत बड़ा सा मार्केट है चारों तरफ, तो उसको पहले बाद में विजिट करेंगे। अभी लॉकर रूम में सामान रखेंगे और कुछ 50 जितना चार्जेस लिया था और फिर हमने सामान वहाँ पे, ठीक सामने ना डिजिटल लॉकर है, हम वहाँ पे थोड़ा बहुत सामान जो लेके जा रहे थे वो रख देंगे और फिर अंदर जाएंगे। मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा डिजिटल कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है, तो सारी चीज़ें यहीं पे हमने जमा करवाई। दर्शन हो गए और आज भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, एकदम ऑफ सीजन चल रहा है ना अभी, तो सब लोगों ने नाश्ता कर लिया और चले गए हैं होटल से। और मैं थोड़ा सा मुझे कुछ कुछ चीज़ें पसंद आई है, तो मैंने सोचा कि मैं वो सारी चीज़ें शॉपिंग थोड़ा सा कर लूँ और फिर होटल पे जाऊँगी। होटल भी हमारा पास नहीं है, सो दैट सी से निकली हुई बहुत सारी चीज़ों का अलग अलग वैरायटीज़ यहाँ पे देखने को मुझे मिल रही थी मंदिर जाते वक्त, तो मैंने सोचा कि सब लोग भले चले जाए बट मुझे विज़िट करना है। और इस चीज़ के कारण मैं वापस वहाँ गई और आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ कि यहाँ क्या क्या मिलता है। और काफ़ी सारी शॉप तो बंद भी थी, मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें जो गुजरात की फेमस चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मिलती थी। एंड होम डेकोर का जिनको बहुत शौक़ है, जो मेरी तरह बहुत सारी इस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर। शी सेल से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे एक्सप्लोर करने को मिली और आगे आगे आप देखो क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ का मार्केट। हमारे पास भी बहुत अच्छे, मुझे यहाँ के मिरर और शेयर्स वगैरह लेना है, मार्केट है और राइट साइड में समुद्र, और इतना सारा कुछ यहाँ पे, बहुत छोटे छोटे बच्चों के कुर्ते पजामे, सारे चनिया चोली वगैरह, और यहाँ पे ढाबा भी था। कुछ कपड़े जो कि पूरी तरह कच्ची वर्ग के थे, वो सारी चीज़ें भी बहुत ही सुंदर सुंदर थी, एकदम रीजनेबल रेट की। और ये सारी जूतीस वगैरह 150 की, कुछ 100 की, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें थी।
हाँ बट ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं था, तो उस हिसाब से आप कहीं भी चीज़ों को परचेज़ करने से पहले थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं। मैंने पूरा मार्केट पहले अच्छे से देखा, हर जगह के प्राइस वगैरह पता किए, क्योंकि मेरे पास उस वक्त टाइम था, दोपहर का टाइम हो रहा था, सब लोग आराम करने चले गए थे। बट आई लव शॉपिंग, सो मैंने सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लोर की और मुझे बहुत मज़ा आया। कच्चे वर्क के बहुत सारे छोटे छोटे पर्स और अलग अलग टाइप के बैग, ये सारे बैग वगैरह गुजरात में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। और ये तोरण और ये सब में मस्त मस्त है मेरा। बहुत सारी शॉपिंग कितना आनी से आपको दिखाती हूँ, बस डिस्काउंट था से અને આ બધા આનો શું છે? और ये शिव जी कितना? 200 का। और ये छोटे वाले भैया, छोटे वाले घंटी 230। तो बराबर आवाज के नहीं थे, खुलेगा तो आवाज आएगा ना। हां प्लास्टिक खुलेगा तो आवाज। अरे अकॉर्डियो नो दिस आनो सूचे मां પેલું મોટા વાળા મિરર તો લેના હૈ મુજે। डेफिनेटली जो भी चीज़ें हमें लेनी होती हैं हम उसकी प्राइजेस कंपेयर हर जगह करते हैं, और जहां हमको अच्छा क्वालिटी और प्राइस दोनों में अच्छा मिलता है और डील, हम वो ही लेते हैं। सो बस मैंने भी अपने हिसाब से जो भी मुझे पसंद आ रही थी वो सारी चीज़ों को सेट कर लिया है, और जो मुझे बहुत पसंद आई वहाँ से मैंने लिए हैं सारी चीज़ें। अगर सोमनाथ में आप मॉर्निंग में आते हो और मॉर्निंग में मंदिर का दर्शन कर लेते हो, और उसके बाद आपको नाश्ता वाश्ता करने के बाद आराम से शॉपिंग वगैरह करके और बाकी के लोकल साइट सीन भी आराम से विज़िट कर सकते हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता और एक दिन में सारा कुछ अच्छे से हो जाता है। और ये शालीग्राम भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे, बट मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट समुद्र से कोई ऐसा पत्थर उठाऊँ, तो मैंने वैसा ही किया, इससे फिर मैंने इसको नहीं लिया। और यहाँ पे ये मिरर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तो मैंने ये वाला मिरर लिया, मैंने हार्ट शेप का मिरर नहीं लिया। इन सारी चीज़ों को वापस ट्रेन में लेके जाना थोड़ा सा रिस्की है, बट अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से आते हो या कैसे भी, तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें ले जा सकते हो आराम से। और ये सर ये छोटे छोटे वाले कितने के? चकली 40। ये वाले घर में नहीं रख सकते भैया? ये वाला ऐसा नहीं, उसमें ना नियम करना पड़ता है, नियम आप तोड़ते हो ना तो मतलब रखना अच्छा होता है, नियम तोड़ना खराब होता है। बस जी भर के शॉपिंग करने के बाद अब मैं चलती हूँ अपने होटल शांति से, और यहाँ पे मुझे एक मस्त सा फ्रूट देखने को मिला, काफ़ी टेस्टी भी है, बहुत लोगों को पसंद नहीं भी आ सकता है, बट ये ना रेडी मूवी में मैंने देखा था, बस ये वही फ्रूट है, बस मुझे इतना पता है, ज़्यादा कुछ मैं इस फ्रूट के बारे में जानती नहीं, बट
50 का 250 मिल रहा था, तो बहुत ही पसंद आया हम सबको, हमने लिया और काफ़ी टेस्टी है। गाइस व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब माय चैनल। पूरा ग्रीन ग्रीन है।